बेसिकली अपने टीचर्स की तरफ से पहले बोलूंगा एंड देन स्टूडेंट की तरफ से बोलूंगा। आप सबको पता है कि हमारा पूरा लाइफ पढ़ने में ही जाता है। अगर आप एक टीचर है तो पढ़ने पढ़ाने इन सब में ही हमारा पूरा लाइफ निकल जाता है, राइट। हमको एक डे मिलता है जहां पे हम हमारे रियल बॉस को याद करें। सरस्वती जी से हमें, हमसे वो नहीं है। हमने उनकी आराधना की, हमने उनको पूजा, तभी जाके हमने कुछ नॉलेज पाया। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत नॉलेज पा लिया, क्योंकि जितना भी हम सीखते हैं वो एक क्षण मात्र होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जितना भी आप जानते हैं, जितना भी आपको समझ है, वो बहुत कम है। इट्स लाइक यू नो अ बूम फ्रॉम अ होल सागर। तो यहां पे सीखने को बहुत कुछ है, समझने को बहुत कुछ है, और हमको सिखाते हमारे गुरु है, राइट। और हमारे जो गुरु है वो कोई और नहीं बल्कि माँ सरस्वती जी है, इसलिए हम इनको पूछते हैं। अब स्टूडेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे मैथ्स, आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट, सर कुछ नहीं समझ में आता, राइट। तो जब हम बचपन में थे, आज भी इवन मैं यहां पे आने से पहले पूजा करके आया हूं, तो जो मुझे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है, मैंने अपना लैपटॉप, अपना पीसी, कुछ पीडीएफ के फाइल आज ही उनके चरणों में रख के आए कि मां बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए इजी बना देना। तो हम लोग बचपन में ये चीज करते थे। तो आपको भी मैं बोलूंगा, जहां पर भी पॉसिबल है इस पर्टिकुलर चीज को सेलिब्रेट करो। जैसे आज ही हम सबको पता होना चाहिए कि वसंत पंचमी क्यों सेलिब्रेट करते हैं। हम सबको पता है कि न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट होता है, बिकॉज ईयर एंड हो रहा होता है, नया ईयर आने वाला होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता होता कि वसंत पंचमी क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये मैं बहुत गर्व से बोलता हूं, एंटायर मीराबाई एंटायर रीजन में हम एक ऐसे स्कूल है जहां पे वसंत पंचमी इतने जोरों शोरों से मनाया जा रहा है इस ईयर। सो इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए। रिवॉल्यूशन किसी भी फील्ड में, रिवॉल्यूशन एक दिन में नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। एंड हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है और वी आर ऑन यू नो हम एक ऐसे ट्रैक पे हैं जहां पे एंटायर मीरा भाईंदर के एजुकेशन सिस्टम को बदलने आए, चेंज करने नहीं आया, बदलने आया। चेंज और बदलने में बहुत डिफरेंस है। अब बोलोगे सर ये क्या है, चेंज का मतलब ही तो बदलाव होता है। नहीं, बदलने में आए हैं मतलब हम कम पैसे में ज्यादा काम करेंगे, कम पैसे में ज्यादा नॉलेज बांटेंगे, साथ में जो हमारा मॉरल वैल्यूज है, जो इंडिया का मॉरल वैल्यूज है ना, वो भी हम बच्चों को सिखाएंगे। तो यही हमारा संकल्प है। इसी के साथ शुरू कर रहे हमारा आज का प्रोग्राम। और कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले गणपति जी को तो याद जरूर से करना चाहिए। सो प्लीज वेलकम अ टू गर्ल्स फ्रॉम एट स्टैंडर्ड हु इज ब्रिंगिंग अस अ डांस ऑन गणपति जी। सो प्लीज वेलकम अ जी।
Lipcap really got there prepared within not in one day only. Within I would say 14 hours, right? So 14 घंटे के अंदर ये डांस प्रिपेयर हुआ है. लास्ट मोमेंट पे याद आएगी हमको ये भी डांस करना चाहिए. ओके चलो. सो प्लीज कम रितु एंड वैष्णवी परमार फ्रॉम एट स्टैंडर्ड. प्लीज क्लैप फॉर रितु चौधरी एंड वैष्णवी परमार. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. सुरासुरैस्तेविता पादपङ्कजा. करेशराजितगमनीया पुस्तका. पुस्तक पाणी मां पाणी वाणी मां पाणी. पुस्तक पाणी मां पाणी वाणी मां पाणी. पर्णग वेणी मां पाणी वाणी मां पाणी. पर्णग वेणी मां पाणी वाणी मां पाणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा. सुरासुरैस्तेविता पादपङ्कजा. सुरासुरैस्तेविता पादपङ्कजा. करेशराजितगमनीया पुस्तका. करेशराजितगमनीया पुस्तका. थैंक यू. आपके का तालियों का आवाज इससे ज्यादा जोर होनी चाहिए. वापस. थैंक यू गाइस. नाउ सरस्वती जी का एक और नाम है, कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ईच एंड एवरीवन कैन पार्टिसिपेट इन दिस. ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर्स, इवन प्रिंसिपल मैम कैन पार्टिसिपेट. हम बुलाते हैं अभी सेतल विश्वकर्मा, रितु चौधरी एंड वैष्णवी परमार को आवाहन के लिए हमारे शारदेय मां को. प्लीज कम. हम हैं रे हम हैं.
थैंक यू। अभी हमारे बीच आ रही हैं थर्ड स्टैंडर्ड की आयुषी पात्रा, सॉरी सेकेंड स्टैंडर्ड की, अरे सेकेंड स्टैंडर्ड की आयुषी पात्रा। ये किसी को तो कुछ सुना रही हैं, तो इनका जो भी है, जो भी चीज ये सुना रही हैं, प्लीज कम हो या जो भी चीज ये सुना रही हैं, ये अपने कृष्ण भगवान को सुना रही हैं, तो अच्छे से सुनिएगा और इस मधुर से डांस का लुत्फ उठाइए सब लोग। चलिए शुरू कर दें। कि तुम्हारे बात जरूर सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंडर एट से हमारे पास आ रही है रितु एंड वैष्णवी परमार फॉर अ ब्यूटीफुल डांस ऑन यादा भगवती। प्लीज कम। ओके ओके
Divya Tawri and Tanushree Mishra from standard 5th. Yes, you all are enjoying. समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा तालियां तो बजनी चाहिए ना.
clap, clap. Fabulous, fabulous, fabulous. Please welcome Ritu Chaudhary and Vaishnavi Parmar for Yema Bhagwati. Please come. Okay. Shuru kare. 3, 2, 1, go. Fabulous. Thank you. Okay. So, two class में रुक जाइए, दो performance बाकी है बस, है कि? Costume change करवा लीजिए जल्दी से. हाँ. Swapna Maurya. प्लीज वेलकम अवर ये जोरदार तालियों से गाइस तालियां बजती रहनी चाहिए इनके लिए. ओके Thank you.
Very good, very good, fabulous. Now I would like to call our trustee sir to come over here and say a few words. Please clap for him. Good morning, students. Very nice performance. And very well arranged by our teachers. Nice performance it is. बहुत अच्छा लगा मुझे ये आज का दिन देख के. मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए अपने प्रेयर में. हम लोग सोच रहे हैं कि एक सरस्वती का वंदना या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृता ये वाला एक हम ऐड करेंगे अपनी प्रार्थना में डेली. यस ये कैसे है या कुंदेन्दु तुषार हार धवला किसी को आता है बच्चों. ओके कम 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 यार किसको आता है अच्छे से. जिसको अच्छे से आता है. अरे और सिंग करके बोलना. हाँ सिंग करके बताना है. हाँ ये कंटिन्यू रिकॉर्ड हो रहा है. शारे हार जबला या शुद्ध वस्त्रावृता या वीणा बडदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या भीमा युत शंकर प्रभुति देवे सदा वंदिता सामान सरस्वती भगवती चलो ठीक है. मतलब ये मंत्र लोग जानते हैं. मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरे प्रोग्राम में देखा ये मंत्र किसी ने कभी कुछ बोला ही नहीं. स्टार्टिंग से एंड तक कोई किसी ने बोला ही नहीं और आपने भी नहीं रखा उसमें. तो मैंने इसलिए ये डेली के लिए रख दिया है कि डेली हमारी प्रार्थना में ये मंत्र बोला जाएगा. ठीक है वेरी नाइस एंड वेरी नाइस परफॉर्मेंस. बहुत मजा आया आज. 2 साल के बाद इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारे स्कूल में हो रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. प्लीज सर प्लीज तो सब बाइट दे दीजिएगा बस. सर एक परफॉर्मेंस लास्ट परफॉर्मेंस बचा हुआ है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आज. बच्चे तो यहाँ पे बिल्कुल सोने कर दिए. इतने कम बच्चों में इस तरह से बच्चों को निकालना ये कमाल के. हमारे स्टाफ है हमारे टीचर वो उनके लिए जैसे बच्चे तो प्रोग्राम किए उनके लिए ताली बजी. लेकिन मैं बोलूँगा बच्चे एक बार ताली बजाएं अपने पूरे स्टाफ के लिए जिन्होंने इतनी अच्छी मेहनत की और इतने कम. मैडम अगर 1000 बच्चों में से 50 बच्चे अच्छे निकले तो वहाँ पे कोई खास बात नहीं है. लेकिन यहाँ कम बच्चों में से इतने अच्छे बच्चे निकालना हमारे टीचर तो मतलब वही है जैसे अच्छा प्रोग्राम होता है. वाह वाह वाह. अब ये तो ऐसा है आज पूरे दिन मेरे अंदर से निकलेगा वाह वाह वाह. शायद रात में भी आँख खुलेगी तो लगेगा वाह वाह वाह. हमारा स्टाफ क्या कमाल का मेरा स्टाफ है जिन्होंने ऐसे बच्चों को ऐसे प्रोग्राम को तैयार कर दिया. बस इसके आगे मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं. हमारा स्टाफ और टीचर प्रिंसिपल मैडम खुद ही इतने एक्टिव हैं जो बाकी आगे सब संभालती रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू. और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हम इसी तरीके से आपको खुश करते रहें. आप खुश तो हम खुश. धन्यवाद सर. ओके यस गाइस आर यू रेडी. रेडी है आप लोग हमारे सबसे लास्ट प्रोग्राम के लिए. तो लास्ट प्रोग्राम हमेशा तरकता भरकता होता है कि नहीं होता. उसमें अकेला इंसान होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं. तो हमारे पास भी है ना देखना चाहेंगे. तो जब तक वो लोग अपना पोजीशन ले लेंगे आपको ताली मारता पड़ेगा. चले यार अच्छे.
मॉनिटर नहीं होगा तब तक मन की आनी चाहिए। थैंक यू थैंक यू, आप लोगों ने तो मेरे बात को बहुत ज्यादा सीरियस ले लिया। थैंक यू। इसका मतलब यही है कि आप सब एक्साइटेड है बिल्कुल मेरी तरह। ये सुना है आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं हमारा आज का लास्ट परफॉर्मेंस। याद करते हैं हमारे सरस्वती जी को, ठीक है? Thank you.
कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो तालियां बजनी बंद क्यों हो भाई? हर एक फंक्शन चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसमें डांस क्यों होता है पता है किसी को? आप सबको ये आइडिया होगा कि डांस इज फॉर एंटरटेनमेंट राइट। थैंक यू गाइस। डांस इज फॉर एंटरटेनमेंट राइट। लेकिन डांस से अगर आप लोग लेसन लेना बहुत बड़ा लेसन है। जब स्पेशली ग्रुप डांस में जब कोई एक पर्टिकुलर पर्सन कुछ गलती करता है ना तो उसको कवर कर लेता है दूसरा पर्टिकुलर पर्सन राइट। या एक इंसान से कुछ गलती हो गया कुछ स्टेप भूल गए तो वो वहां रुकता नहीं है वो वहीं से कंटिन्यू करता है नेक्स्ट स्टेप ऐसा करता है कि आप जैसे लोग ताली मारने में मजबूर हो जाए। यही है जिंदगी यही है लाइफ। तो लाइफ में कभी भी गलती होएगा डरना मत एक्सेप्ट करने से। क्या करना है नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है ये हमेशा याद रखना। बहुत छोटी सी उम्र है आगे जाकर के ये बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई करना अपने जिंदगी में। थैंक यू गाइस एंड आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू आवर प्रिंसिपल मैम जिनका कॉन्स्टेंट सपोर्ट रहा है हमारे पास। और आई नो दैट हमारे पास रिसोर्सेस बहुत कम है लेकिन उस रिसोर्सेस को यूज करके जिस तरीके से इन बच्चों ने आज सारे डांस परफॉर्म किए हैं या फिर जिन्होंने गाना गाया है मुझे बस इतना समझ में आता है कि बच्चे ईगर हैं हर एक चीज करने के लिए। एंड सर मैं आपको बता दूं जब मैं क्लासरूम में गया कि कौन डांस करेगा
मुझे ऐसे चुनने पड़े सेलेक्टिव कि किस किस को लूं मैं, सारे गैंग से हाँ सर हम करेंगे, जबकि मैंने सिक्स और सेवन को लिया नहीं बिकॉज बहुत छोटे थे और मेरे पास बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो जा रहे थे। मैंने एक बार कहा 7 मिनट का डांस, 7.5 मिनट का डांस है, कर लोगे? बोलते हैं सर क्यों नहीं करेंगे। और आधे से ज्यादा स्टेप इन लोग ने खुद से प्रिपेयर किया है, इनको किसी ने नहीं गाइड नहीं किया कि भाई ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, खुद से प्रिपेयर किया है, खुद से इन लोग ने किया है। तो लास्ट टाइम मैं हमारे प्रिंसिपल मैम को बुलाना चाहूंगा और उनसे भी थोड़ा सा बाइट का अपेक्षा करता हूँ कि उनको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, उनका उनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना हर एक की मर्ज की बात नहीं है। लास्ट टाइम पे ये रहेगा वो रहेगा इतनी टेंस्ड, तो उनसे थोड़ा सा तो जानना बनता है कि कैसा रहा। थैंक यू सर फॉर कमिंग टेक आउट योर टाइम फ्रॉम योर प्रीशियस वर्क। इसके अलावा सारे बच्चों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू मेरे स्टाफ को बोलना चाहती हूँ, थैंक यू अभिषेक सर, तस्नीम, इन सब ने मेरे सपनों में रंग भर दिया है। मैं जो भी सपने देखती हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा, सुबह 5 बजे से मैं सो नहीं पा रही थी ये सोच के कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए जैसा मुझे चाहिए, लेकिन आज जैसा मुझे चाहिए था मेरे स्टूडेंट्स ने वैसा परफॉर्म किया, वैसा तैयार होके आए, इवन वैसा मेरे टीचर्स मेरे साथ। कहते हैं ना वन मैन आर्मी, लेकिन मेरी जो आर्मी है ना मेरे सारे स्टाफ के बिना अधूरी है। बहुत छोटा सा एक सपना देखा था जो लग रहा है धीरे धीरे पूरा होना शुरू हो गया है। ये पूरे मीरा भाईंदर में अब हमारे स्कूल के कॉम्पिटिटर्स मेरे स्कूल में आकर के यहाँ का सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर आकर यहाँ कितनी चीज की जा रही है, यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ कराई जा रही है, यहाँ पर क्या कैसे हो रहा है वो जानने के लिए और हमको कॉम्पिटिट करने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता है। जब मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया था यहाँ पे 6 या 7 स्टूडेंट्स होंगे प्री प्राइमरी में, आई थिंक सो कोले मिस थे ना 6-7 स्टूडेंट्स। अभी ऑफलाइन स्टार्ट किया ही है और 60 स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ, तो ये तभी पॉसिबल है जब मेरे साथ मेरा स्टाफ खड़ा है। मेरे सपनों में जो सच बता रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से रंग है। जो भी मैं देख रही हूँ, जो भी मैं चाह रही हूँ, अगर मैं एक टीचर को बोल देती हूँ तो वो टाइम नहीं देखती है, ऐसे ही मेरे स्टूडेंट्स हैं सर। एक ऑर्डर करती हूँ ना, 5 to 6 स्टूडेंट्स वर देयर व्हेन आई वांट्स टू डू द डेकोरेशन, बिकॉज जैसा मेरे पास कहते हैं ना कि उतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, वैसा ऑडिटोरियम नहीं है, वैसी चीज़ें ना होने के बावजूद जितना बेस्ट हो सके उसमें हम करके दिखाएं। जिनके पास सब कुछ होता है वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ ना होकर भी हम इतना अच्छा कर लेंगे ये शायद और स्कूलों में पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे सबसे ज़्यादा थैंक यू अभिषेक सर, बिना कोरियोग्राफर के बिना डांस टीचर के इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। इवन मैं मौशीज को भी थैंक यू बोलूँगी, 8 बजे आ करके उन्होंने पूरा क्लीननेस का काम सब कुछ करके दिया। एंड वंस अगेन सर, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, वो सबसे बड़ा थैंक्स। मैम ने तो सब कुछ कह दिया, सबको थैंक यू बोल दिया, लेकिन मेरे एंड से मैं मौसियां शायद मेरे से नाराज हो। मैं कब किसी पे बोलता हूँ या किसी को कुछ बोलता हूँ तो शायद मैं वो चाहता हूँ कि वो उस लायक है, वो चीज़ कर सकता है, राइट। और जैसे मैम ने एक बात कहा कि हमारे पास रिसोर्सेस कम है और बहुत लोगों के पास रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा है। मैम एक चीज़ याद रखिएगा, हम जानते हैं कि रिसोर्सेस को कैसे यूज़ करना है, वो जानते हैं कैसे रिसोर्सेस लाना है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू सेंटेंस। और जो इंसान जानेगा ना कि कितने रिसोर्सेस को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके, वो हमेशा लाइफ में आगे जाएगा और हर एक चीज अच्छे से करेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू मेकिंग इट पॉसिबल, एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर इससे भी
इससे भी अच्छा प्रोग्राम हम वसंत पंचमी का करें। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, एंड इफ यू वांट यू कैन गिव अस अ लास्ट बाइट। ओके, थैंक्स टू ऑल, वेरी नाइस परफॉर्मेंस फॉर टुडे। आज तो समझो आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। आई एम रियली वेरी व्हाट, कुछ बोल नहीं सकता मैं, ऐसा फील कर रहा हूँ, स्पीचलेस। यस, प्लीज स्टैंड अप गाइस, प्लीज टू और थ्री स्टूडेंट्स कम ओवर हियर फॉर नेशनल एंथम प्लीज। National anthem. Jaldi. National anthem. Come fast.